गर्मी में हम छांव के लिए पेड़ तो तलाशते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं हैं। एक पेड़ ही है जो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। आइए वादा करें कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और एक एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में यही पेड़ हमारी जिंदगी को बचाएंगे। इसी अपील के साथ आइए शुरुआत करते हैं सायहपुर के खास बुलेटिन मिशन 24x7 का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और अब आपको दिखाते हैं छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद की चुनाव की भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए 8 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जाँच उसी दिन 3 बजे से की जाएगी। नाम वापसी 9 जुलाई को होगी और मतदान 10 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे के बीच होगा और 10 जुलाई को ही 3 बजे के बाद मतगणना होगी। चौक कोतवाली क्षेत्र के राजघाट चौकी के पास एक पिकअप चालक ने स्कूटी को टक्कर मारते हुए भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह की गाड़ी को भी ठोक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पिकअप ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल विधायक आगे के लिए रवाना हो गए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मनाए जा रहे वन महोत्सव के तहत इस बार जिले में 48 लाख पौधों को रोपित किया जाएगा। डीएफओ आदर्श कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जुलाई को एक ही दिन में 40 लाख पौधों को रोपित किया गया, जिसमें 27 विभागों ने हिस्सा लिया और अलग अलग जगहों पर पौधे रोपित किए। डीएफओ आदर्श कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमें जन आंदोलन चलाना होगा। डीएफओ ने आम लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनको संरक्षित करें। साथ ही कहा कि पौधा लगाने से बड़ी जिम्मेदारी रखरखाव की है, ऐसे में जरूरी है कि हम जिस पौधे को लगाएं समय समय पर उसकी देखभाल करते रहें। पेड़ों के कटान को लेकर भी डीएफओ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पौधों के कटान की कहीं सूचना पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सिंधौली क्षेत्र के 13 गांव में 3 दिन पहले लूटा गया ई रिक्शा कल क्षेत्र के ही सिंघीपुर पुलिया के पास से लावारिस हालत में मिला। कोतवाल जगनारायण पांडे ने जानकारी देते बताया कि 3 दिन पहले क्षेत्र के गांव ढकिया हमीदनगर के रहने वाले नन्हेलाल ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसका ई रिक्शा 13 गांव के पास किसी व्यक्ति ने तमंचा दिखाकर उसे लूट लिया, जिसको पुलिस लगातार तलाश रही थी। वहीं अब ई रिक्शा लावारिस हालत में क्षेत्र के सिंघीपुर पुलिया के पास से मिला है, जिसे पुलिस ने रिक्शा चालक नन्हेलाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि रिक्शा चालक के पास से लुटेरों ने 1100 रुपए की नकदी और मोबाइल भी लूटा था। फिलहाल पुलिस लूटे गए मोबाइल को सर्विलांस की मदद से ट्रेस कर रही है। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने 450 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर पप्पू को भी गिरफ्तार किया है, जो कि थाना सेरामो दक्षिणी के भरगावा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिजलापुर से एक दुकान के पास से तस्कर पप्पू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 450 ग्राम चरस बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहां पहुंचे सांसद अरुण कुमार सागर ने रुकी हुई शिक्षक भर्ती को मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही है। सांसद आज वहां में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां जनता की समस्याओं को भी उन्होंने सुना। इसी दौरान बीएड और टीटी 2011 संघर्ष मोर्चा के सदस्य राजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपा और मांग की कि रुकी हुई शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराया जाए। इस दौरान सांसद ने भी आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिनौर गांव में घर में खड़ी नेक्सॉन गाड़ी में धमाके के साथ अचानक आग लग गई। इस दौरान गैराज में खड़ी एक बुलेट मोटरसाइकिल, एसी जनरेटर सहित रखा हुआ और सामान भी जलकर राख हो गया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आज महानगर के जैव विविधता पार्क में आर्ट ऑफ लिविंग सायहपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं ने यहां पर पौधे लगाए और आम लोगों से भी अपील की कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।
आज जायापुर डिपो रोडवेज कार्यशाला में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश उप महामंत्री आर के मिश्र ने परिवहन निगम कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और प्रबंध निदेशक परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को अपना ज्ञापन प्रेषित किया। सायापुर के बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता पहुंचे। यहां उनका सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान, वरिष्ठ सपा नेता सैयद रिजवान, डॉक्टर नवनीत यादव और उद्योगपति विनय अग्रवाल भी मौजूद रहे। तेलहर के मोहल्ला काकड़ स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री राजेश्वरी सक्सेना ने चने की दाल का वितरण किया। इस दौरान चने की दाल का 1 किलो और आधा किलो के पैकेट गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिए गए। इस दौरान 7 माह से 3 साल के बच्चों को भी खाद्य सामग्री वितरित की गई। महानगर के मकू बजरिया मोहल्ले में ज्ञानमृत पब्लिक हाई स्कूल में आज लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर आज जिले में 5वें दिन भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो नारे के साथ बहुजन साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष महेश सागर ने किया। साइकिल यात्रा मोहल्ला दिलाजाग से शुरू होकर जलालनगर बजरिया निगोही रोड महिला थाना चौराहा से रेलवे स्टेशन होते हुए नगर के कई मोहल्लों में पहुंची, जिसके बाद पोया रोड पर बुद्ध विहार पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन करते हुए संपन्न हुई।